अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज है 14 अगस्त और मैं जो है वो बल्कि मैं क्या हम लोग मोमल को और हसन को लेके पार्क जा रहे थे, क्योंकि मोमल हसन का मूड था पार्क जाने का। और वैसे भी ओकेजन्स पे ऐसा होता है कि जब इन लोगों की छुट्टियाँ होती हैं तो ये लोग कहते हैं कि भाई हमें घुमाओ फिराओ। तो कोशिश तो यही करते हैं हम लोग कि इनके जो है वो लेके आउटिंग पे चले जाएं, मगर अभी जो है वो बस जल्दी जल्दी का प्लान था हमारा पार्क जाने का। हमने कहा चलो, हमारे घर से एक पार्क है, वो बहुत अच्छा पार्क है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी वो पार्क दिखाते हैं और क्या क्या हम लोगों ने वहाँ पार्क में किया और वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो मोमल जो है वो अभी 14 अगस्त का मोमल ने जो है ये स्पेशली अपना ड्रेस स्टिच करवाया था, और ये ड्रेस जो है वो पप्पू ने स्टिच किया है। मेरे पास जो है वो ग्रीन कलर का सूट नहीं था, तो फिर मैंने जो है वो बस नेल पेंट लगा लिया हल्का सा, जो मेरा पुराना नेल पेंट था। तो मैंने कहा चलो इससे ही 14 अगस्त इंजॉय कर ली जाए। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, और मोमल का मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा देती हूँ कि मोमल का ड्रेस कैसा है। मोमल का ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था यार मुझे, और मोमल माशाल्लाह खुद भी बहुत प्यारी लग रही थी। और अभी जो है बस हम लोग जाने के लिए निकल रहे हैं, और चलें आप लोग हमारे साथ रहिएगा, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो बारिश जो है वो मुसलसल हो रही थी, और हल्की हल्की तो बूंदाबांदी अब स्टार्ट हो गई थी। जब मैं यहाँ पर पार्क में आई तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो अभी जो है वो यहाँ पर पब्लिक जो थी वो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसे जैसे जो है वो टाइम बढ़ता जाएगा, जो वैसे वैसे उस हिसाब से ही होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंटर हुए थे, तकरीबन 5 बज रहे थे, और अभी जो है वो बड़ा पुरसकून माहौल, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो रही थी। और लोग जो है वो ग्रीन कपड़े, बच्चे बैच, और ख़वातीन भी जो है वो ग्रीन कपड़े और ग्रीन मेकअप, आई शेडोज लगा के जो है वो कार्टून बनी हुई थी। लेकिन अच्छा, मुझे इस चीज़ का होता है कि यार जो चीज़ आपके सूट नहीं करती ना वो आप ना करो। ज़रूरी नहीं कि अगर आप 14 अगस्त से तो आप ग्रीन कलर का आई शेडो ही लगाओगे तो आप 14 अगस्त सेलिब्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये 14 अगस्त की थीम इन्होंने जो है वो बनाई हुई थी, और बच्चे जो है वो पिक्चर्स यहाँ पे आके ले रहे थे। और अभी जो है वो बारिश दोबारा से स्टार्ट हो गई है, तो मैं यहाँ पर जो है वो जू जा रही थी। यहाँ पर मिनी जू भी है और वहाँ पे जानवर भी हैं बहुत सारे। और पहले आपको लेके चलते हैं मकाओ के केबिन में। तो इसमें मकाओ तो नहीं थे, इसमें जो थे वो थे कबूतर। हाँ, तो इसमें थे कबूतर, और मकाओ के पिंजरे में कबूतर। मुझे इस बात की बड़ी हैरत है, और या इनको भी मकाओ कहते हैं, कोई और नस्ल है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट कौन सा है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या था भाई, क्या था क्या था क्या था, एक इसमें जो है ना जाल वीडियो में ज़रा सही से नजर। अच्छा हाँ, ये खाली था, और इसमें जो है ये मोर थे, इतने प्यारे प्यारे इधर मोर थे, और भी आगे हैं मैं आपको दिखाऊंगी। तो पार्क जो है वो मिनी जू भी था, और यहाँ पर झूले भी थे, सब कुछ था। अच्छा, ये जो है ये बच्ची, इसने भी ग्रीन कलर का ड्रेस पहने हुए थे, तो मैंने इसकी अम्मी को वीडियो में लिया। तो ये इसकी बेसिकली खाला थी, और खाला ने इसको लेके पाला था इस बच्ची को। तो मैं जो है वो अभी आपको दिखाऊंगी वो बता। असल में वॉइस रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर रही हूँ, बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा शोर मच रहा था, मुझे बहुत वीडियो में आप लोगों को समझ में भी नहीं आता। तो ये बच्ची जो है ना इन्होंने लेके पाली है, और ये है इसकी खाला। तो यहाँ पर भी मैं जो है वो आगे और गई, तो यहाँ पर भी जो है वो, और अच्छा यहाँ पर जो थी ना ये फाख्ता थी, और फाख्ता उसके बाद यहाँ पर आई तो डक्स थी बहुत सारी, बहुत प्यारी प्यारी डक्स थी, और बच्चे भी थे डक्स के। बच्चे तो भाई बच्चों के बड़े मज़े आ जाते हैं। हम जब छोटे छोटे से थे तब उस टाइम जो है वो इतना ज़्यादा पार्क का ट्रेंड नहीं था जितना अब हो गया है कि कोई भी ओकेजन होता है वो पार्क में आ जाते हैं। हम उस टाइम ऐसा नहीं था। और शितरमुर्ग जो है वो यहाँ पर एक था, और मुझे जो है वो परिंदों में शितरमुर्ग भी बहुत पसंद है, और बाकी ये है कि मुझे परिंदों में एक शितरमुर्ग और तोते मुझे बहुत पसंद हैं। कबूतर मुझे अगर अच्छी नस्ल के कबूतर हो तो पसंद है, और तोते मुझे मकाओ, काकाटू और ग्रे पैरट, ऐसे मुझे तोते पसंद हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के फेवरेट परिंदे कौन कौन से हैं। अच्छा हाँ, मुझे रैबिट भी बहुत पसंद है।
मुझे रैबिट पसंद है, हिरन भी यहाँ पर था, बेचारा एक ही हिरन था, उसका कोई दोस्त नहीं था, और हिरन भी मुझे बहुत पसंद है, और हिरन जो है वो खाने में भी बहुत अच्छा होता है और दिखने में भी जो है बड़ा मासूम होता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि अल्लाह पाक ने जो जो चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं बहुत फ़ायदेमंद बनाई हैं, और हर चीज़ की जो है ना अपनी एक स्पेशलिटी है। तो हिरन जैसे दिखने में है वैसे ही जो है उसका गोश्त है, और ये डक, अच्छा मैंने कभी बत्तख का गोश्त नहीं खाया, मुझे कमेंट करके बताएगा बत्तख का गोश्त कैसा होता है। और ये मेरे अब्बू ने और मेरी दादी ने खाया है, मेरे बड़ों ने खाया है, लेकिन मैंने नहीं खाया। और बारिश जो है वो हल्की हल्की सी स्टार्ट हो गई है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्श जो है वो गीला हो गया है। अच्छा ग्रास में इसलिए नहीं जा रहा है, ग्रास में पाँव रखो ना, ग्रास इतनी ज़्यादा जो है वो गीली हो रही है कि आपके पाँव जो है ना वो ग्रास में भीग रहे थे, और मेरी जो पम्प्स थे ना वो मेरे भी ख़राब हो गए थे, तो मैं जो है वो उसके बाद ग्रास में नहीं गई, मेरे सारे पम्प्स ख़राब हो गए थे। तो यहाँ पर जो है ये फवारा था, तो फवारा तो था नहीं, इसमें पानी भरा हुआ था गंदा संदा सा। और आगे चलते हैं, क्या क्या है यहाँ पर, झूले भी बहुत अच्छे अच्छे थे और बड़ा भी बहुत था। पहले जो था ये पार्क बहुत ही खस्ता हालत में था, ये सिर्फ एक ग्राउंड था, मगर अब इसको पार्क की शक्ल दे दी गई है और अच्छा पार्क ही बन गया। मैं इसको बाहर से ही देखा करती थी, मैं कभी इसके अंदर नहीं गई, और ये बच्चे बच्चे तो जा चुके थे, लेकिन ये मेरा यहाँ पर इस पार्क में फर्स्ट टाइम विजिट था। तो कमेंट जो है वो करके बताइएगा कि आप लोग जो है वो पार्क में जाने के शौकीन हैं कि नहीं। मैं तो भाई पार्क में जाने के बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, और यकीन जानिए मैंने उस दिन इतना बड़ा 14 अगस्त पे लेक्चर दिया, लोगों को नहीं समझ आती। अच्छा खैर उस पर तो खैर व्यूज़ कम थे और इस तरह की बातें कोई नहीं सुनता। अच्छा वो सिटिंग एरिया भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो कोई नहीं सुनता कि मतलब बाजे बजा रहे हैं यार, हमें कुछ अच्छा इन्वेंट करना चाहिए अपने मुल्क के लिए, ना कि आपने जो है वो 14 अगस्त के कपड़े पहन लिए और पिक्चर्स बनवाने। यकीन करें यहाँ पर इतने लोग शूट करने आए हुए थे 14 अगस्त का, मुझे समझ में नहीं आती कि यार 14 अगस्त के तस्वीरों की हद तक या कपड़ों की हद तक ही रह गया। तो यहाँ पर हमने बैठ के कुछ खाया पिया, पेट पूजा की, क्योंकि हम फिर के हम हो गए थे भूखे। और खाने में मैं लेकर आई थी फ्राई, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, और मैं यहाँ से फूड कोर्ट से कुछ भी नहीं लेती, तो ये सब घर से जो है वो बच्चों की मम्मी ने बना के दिया था, मैं तो भाई कुछ भी बना के लेकर नहीं आई थी। तो उसके बाद फिर ये अब मूड हो रहा था कि हम लोग चले जाएं, क्योंकि जाहिर है टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, खा पी भी लिया था हम लोगों ने, और अभी बस बच्चों ने बोला कि हमें झूले झूलने, टिकट पे इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी, यकीन जानिए मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर फिश इकोरियम भी था और झूले जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थे, तो बच्चों ने जो है वो खूब इंजॉय किया। और मगरिब का टाइम जो है वो होने वाला था, और यकीन जानिए मगरिब का टाइम जब होता है ना, आप कहीं पर भी हो इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, मैं मगरिब के टाइम बस कहती हूँ मैं अपने घर भागूँ। तो मैंने बस फ़ौरन फ़ौरन से जो है बच्चों को झूले झुलाए, एक दो झूले, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था, मैंने कहा भाई लाइन, मैं तो लाइन नहीं लगा सकती। तो बस फिर जो है बच्चे अपने जो है वो टिकट्स लेकर आए, उन्होंने टिकट्स लिए, उसके बाद फिर मैंने जो है वो दो उनके झूले झुलाए, उसके बाद हम हो रहे थे घर की जानिब रवाना। और यहाँ पर भी जो है ना ये लोग अपना शूट कर रहे थे, मैं यही देख रही थी यार कि कितना सब इंजॉय कर रहे हैं, और बारिश जो है वो मुसलसल हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये इनका कैफेटेरिया था पार्क का, और हम लोग यहाँ पर आके बैठे थे क्योंकि बच्चों को खानी थी आइसक्रीम, तो यहाँ पर वॉल्स की कॉर्नेटो की आइसक्रीम थी नहीं, तो ये वाली कोन थी, तो बच्चों ने ये वाली कोन जो है बस वो खा ली। मैंने तो नहीं खाई, मैंने बाहर से लेके खाई जो वॉल्स की रास्ते में से। और अभी जो है मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।